हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनफ्लो 5 के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हो गया है और इंडिया में वो पहली तारीख से लॉन्च हो रहा है। आप लोगों ने विनफ्लो 4 तो देखा ही होगा और आज मैं बात करने वाला हूँ विनफ्लो 5 के बारे में। सो गाइस, शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, अगर आप लोगों ने विनफ्लो 4 देखा है और अगर नहीं भी देखा है तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगी। सो ये है ब्रांड न्यू शूज जूम विनफ्लो 5, जिसका बॉक्स मेरे हाथ में है। ये जो साइज है US 10 है, US 10 साइज होती है और UK 9 और यूरो में हो जाती है 44। यहाँ पे सामने की तरफ शूज का आर्टिकल और ये कहाँ पे बना है आपको वो डिटेल्स मिल जाती है। पीछे के साइड्स पे आपको डिटेल मिल जाती है शूज के प्राइस की, शूज के इम्पोर्ट और कंज्यूमर कंप्लेंट्स डिटेल मिल जाती है और मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट डेट भी मिल जाती है। शूज का बॉक्स खोल लेते हैं। तो ये जो शूज है बेसिकली दो कलर में लॉन्च हुआ है, 2 से 3 कलर में। ये जो ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर, बाहर के साइड से इसका जो सोल का कलर है वाइट और अंदर के साइड से सिंगल कलर दिया गया है और इसमें एक ब्लैक कलर और अवेलेबल है। तो दोस्तों, शूज दिखने में सेम टू सेम विनफ्लो 4 जैसा ही है। यहाँ पे चेंजेस इन्होंने जो किए हैं वो अपर बॉडी में किए हैं, सोल में इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। सोल जो है पहले जो विनफ्लो 4 था सेम टू सेम उसके जैसा है। अपर यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा लाइट वेट बनाने की कोशिश की है और काफ़ी लाइट वेट फील होता भी है, बिकॉज जो इसके इंजीनियर मैस के जो होल हैं वो पहले से काफ़ी बड़े हैं, जिससे आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लेस किए गए हैं होल्स, जहाँ पे आपको ब्रिथेबिलिटी चाहिए वहाँ पे आपको ब्रिथेबिलिटी और जहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। फिर दोस्तों, पहले जो फ्लाई वायर थे वो स्ट्रेट थे और इस बार ये चैन लॉक पैटर्न में जो कि लेसिस के साथ इंटीग्रेट थे। एक चीज़ ये अच्छी अभी करने लगे, यहाँ पे जो 4 फिट का जो आईलेट है यहाँ पे अभी ये लोग फ्लाई वायर नहीं देते हैं। पहले उससे प्रॉब्लम ही आती थी जब आपका फिट फ्लैश होता था, वहाँ पे आपको इरिटेट जैसा फील होता था, बट अभी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। हर शूज में जो 4 फिट का आईलेट है वहाँ से फ्लाईवेयर हटा देते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे हील काउंटर पे आपको एक रिफ्लेक्टर एलिमेंट्स मिल जाता है, जो कि आपको लो लाइट कंडीशन में विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जब लाइट पड़ेगी तो आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे इंटरनल मैच के अंदर भी रिफ्लेक्टर यूज किए गए हैं जो कि आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कलर की बात करें तो दिखने में काफ़ी अच्छा है और प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो ये 8,000 रुपीज़ का ही है। लास्ट वाला पैटर्न भी जो कि विनफ्लो 4 था वो भी 8,000 रुपीज़ का है। अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली जूम एक एयर होता है जो कि यहाँ इस शूज में हील पार्ट पे प्लेस की गई है। जूम एयर आपको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करता है, लो प्रोफाइल कुशनिंग में हेल्प करता है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव होता है, जिससे आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, डेली वेयर में काफ़ी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करता है और शूज़ काफ़ी लाइट वेट भी है। आउटसोल की बात करें तो वफल पैटर्न से आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। फिर यहाँ पे क्रैश रेल दी गई है जो कि आपको स्मूथ ट्रांजिशन में, स्मूथ लैंडिंग में हेल्प करता है, इससे आपको ग्राउंड का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके फिट में नहीं आता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे फ्लैक्स स्क्रूज दिए गए हैं जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और यहाँ पे नाइकी जूम लिखा गया है नीचे की साइड पे और यहाँ पे शूज का नाम भी लिखा गया है, नाइकी जूम विनफ्लो। सो दोस्तों, ऑल ओवर शूज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अल्टीमेट कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इवन आप इसे जिम में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों, अभी विनफ्लो 5 के साथ साथ नाइकी जूम पेगासस 35 भी लॉन्च हुआ है, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। सो गाइस, विनफ्लो 35 सो गाइस, पेगासस 35 की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी। थोड़ी कम आती है बिकॉज ये जो है बैरफुट रनिंग होगा दूसरे किसी शूज के अगेंस्ट में, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बैरफुट रनिंग करते हैं तो आपको ग्राउंड फील होना जरूरी है।